शेखावटी अंचल में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे में 6 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें रोडवेज बस के कंडक्टर की मौत हो गई और 5 सवारी घायल हो गई। एक के बाद एक वाहनों के टकराने से 8 किलोमीटर तक का लंबा जाम भी लग गया। हादसा फतेहपुर में देवास रोड पर मंगलवार सुबह हुआ। एक्सीडेंट हुआ, एक ट्रोले वाले ने रोड पे चलाया और पीछे से एक रोडवेज बस उसके अंदर घुस गई। एक कंडक्टर को उसमें कैजुअल्टी हुई है और जो मैं यहाँ दिखा देख रहे हो आप, जिस हिसाब से आप देख रहे हो पीछे साइड देख सकते हो आप, अभी तो आपको गाड़ी दिख रही है, आपसे आधे घंटे पहले हम इस गाड़ी को भी नहीं देख पा रहे थे। हालत हमारे यहाँ की हालत बहुत खराब है और यहाँ का और भी पीछे कई गाड़ियाँ मिली है, पीछे खूब गाड़ियाँ चल रही हैं और लंबा है और ये प्रॉब्लम आज की नहीं हमेशा की है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बहुत कहना चाहूँगा, हमें इस प्रशासन को चेताना चाहूँगा कि हर जगह हम ये देख रहे हैं कि हम अपने अपनी छोटी छोटी लापरवाही की वजह से जनता भर रही है। आज ये हाईवे जो काम कर रही है 2022 में काम पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये भूखी कंपनी हमारे पल्ले पड़ गई और आज साइड में मिट्टी खोद के रख देते हैं, साइड से निकले की जगह नहीं रहती है। और अभी आप देख सकते हो 2 घंटे तक अगर कोई टोल कंपनी वगैरह अपने को लेके आता है। सुबह घने कोहरे की वजह से एक ट्रेलर और रोडवेज बस में टक्कर हो गई, उसमें रोडवेज का कंडक्टर है वो एक्सपायर हो गया, ड्राइवर है गाड़ी में फंस गया था, उसको बड़ी मुश्किल से पब्लिक के सहयोग से निकाला गया, हॉस्पिटलाइज करवाया गया। इसके साथ ही यहाँ जब एक्सीडेंट हुआ था कुछ गाड़ियाँ पीछे से और भी ऑपरेशन बढ़ गई थी, लेकिन उसमें कोई मामूली चोटें आई हैं, ज़्यादा इंजर्ड। कुल कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर भिड़ी है? 6-7 व्हीकल सर। हाँ, रास्ते को अभी खुलवा दिया गया है, घायल होने की संभावना। थाना प्रभारी ने बताया कि फतेहपुर में देवास रोड पर सुबह सरकारी कॉलेज के पास होटल से एक ट्रक सड़क की तरफ घूम रहा था, ट्रक के पीछे रोडवेज बस, उसके पीछे 2 पिकअप, 1 रोडवेज और 1 कार चल रही थी। सड़क पर कोहरा छाने से थोड़ी दूर पर भी देख पाना मुश्किल था, ऐसे में ट्रक के पीछे चल रही रोडवेज बस टकरा गई। टक्कर के बाद रोडवेज के रुकते ही पीछे चल रही 2 पिकअप और 1 कार आपस में टकरा गई। सुबह सुबह हाईवे पर एक के बाद एक 6 वाहनों के आपस में टकराने से तेज धमाके की आवाज हुई। सबसे आगे चल रहे ट्रक और रोडवेज की टक्कर इतनी तेज थी कि बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। हादसा इतना भयानक था कि कंडक्टर सावरमल की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं ड्राइवर विजय सिंह बुरी तरह से फंस गया था। पुलिस ने करीब 1.5 घंटे बाद ड्राइवर को बाहर निकाला, वहीं सवारी उस्मान अली निवासी उत्तर प्रदेश, निशा निवासी चूरू, प्रेम सिंह निवासी बीकानेर, राजेंद्र सिंह निवासी रामगढ़ घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। हादसे के बाद हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, करीब 8 किलोमीटर तक का जाम लग गया। सूचना पर 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने घायलों और शव को थानों का अस्पताल में भिजवाया। पीछे की गाड़ियों के लोगों को मामूली चोटें भी आई, पुलिस ने गाड़ियों को हटवाकर जाम खुलवाया, जिसमें करीब 2 घंटे लग गए। कंडक्टर के परिजनों को सूचना दी गई है, उनके आने के बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस समय घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी 50 मीटर से भी सुबह कम थी, इस कारण वाहन आपस में टकरा गए। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र पर फतेहपुर पर आज सुबह न्यूनतम तापमान -1.7 डिग्री दर्ज किया गया। तो मैं और मेरे जवानों के साथ में आया हूँ और मैंने यहाँ रोड जाम लगा हुआ था तो खुलवा है, 7 लोगों अब ट्रेन से इस गाड़ी को हटवाया है, अब स्थिति आंदोलन है, रोड जाम खुल चुका है और चालू हो गया। सर कितने उसमें करीब 5-7 लोग घायल हुए हैं। शीतलहर के असर के चलते सीकर में लगातार दूसरे दिन भी सीजन की सबसे सर्द रात रिकॉर्ड दर्ज की गई। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर न्यूनतम तापमान -1.7 डिग्री दर्ज किया गया। शीतलहर के असर के चलते खेतों में बर्फ जमी हुई सुबह देखने को मिली। फतेहपुर समेत आसपास के कई इलाकों में कोहरा भी हवा के वेग के असर से छाया रहा। मौसम विशेषज्ञों की माने तो सीकर में कल भी शीतलहर का असर रहेगा, जिससे कड़ाके की सर्दी का एहसास होगा। में सर्दी के तेवर दिनों दिन तीखे होते जा रहे हैं। आज भी तापमान की बात करें तो तापमान यहाँ माइनस में दर्ज किया गया है। फतेहपुर क्षेत्र में के रामगढ़ और चूरू रोड पर घना कोहरा छाया हुआ है। तो दूसरी तरफ की बात करें इधर कृषि अनुसंधान केंद्र, तो मौसम पूरी तरह से साफ नजर आया। आज का न्यूनतम तापमान 2.7
7 डिग्री यहाँ दर्ज किया गया है। खेतों में बर्फ की परतें जमी हुई नजर आई। तेज सर्दी से आम जन -2 डिग्री गया है। आप देख सकते हैं बर्फ इतनी भयंकर है, आपको शीशे को साफ करने के लिए वाइपर नहीं, कुछ और आइटम लाने पड़ेंगे तभी ये कुछ साफ हो पाएगा। और ये टाइम है लगभग 7:30-8 बजने वाले हैं, क्योंकि आप देखिए बर्फ कितनी है। जैसे आपने कोई पाउडर कोटिंग की हुई है उस तरह पूरी बर्फ इसके ऊपर जमी हुई है। और फतेहपुर फिर से हमारी असली फॉर्म में आ गया है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सर अहमद खान है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। काल से भी बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ठिठुरापन हो रहा है, आज बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। ठंडा शहर है, शहर तो क्या है, कस्बा है, और यहाँ पे देखो ये बर्फ आपको दिख रही है जमी हुई, और हमारा गला भी